हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत खुश मिसा अंदाज में। वेलकम टू माय चैनल। और अभी शाम हो रही है, अभी 5:15 बज रहे होंगे और मैं अपना ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं ना मतलब रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, कुछ सब्जी वब्जी छोटी मोटी सिलानी। और ना मेरे ब्लाउज डले हुए थे भैया के पास, तो मुझे वो भी लेकर आना है, तो वो मैं ले आऊंगी क्योंकि उनके आना लॉकडाउन से पहले के डले हुए हैं, मैं लेके ही नहीं आई हूँ। लॉकडाउन को भी 3 महीने हो चुके हैं और अभी ओपन भी हुए हुए हैं, टाइम हो गया है, बट मैं गई नहीं उनके पास। तो उनका फ़ोन आया था कि मैडम आप अपने ब्लाउज तो लेके चले जाओ, तो मैं अभी अपने ब्लाउज लेने के लिए जाऊँगी। और बाहर धूप हो रखी थी ना, इसीलिए मैं निकल नहीं रही थी और मेरा मन भी नहीं हो रहा था कि मैं जाऊँ, तो लेकर आऊँ, थोड़ा सा धूप कम हो जाएगी इसके बाद जाऊँगी। और यहाँ पर ये देखो कितने सारे हनी के कपड़े मैंने धुले हुए हैं, सारे के सारे ना, यहाँ से वहाँ तक लेके हनी के कपड़े। मेरा एक हाथ टॉप होगा, कुर्ता बोल रही हूँ, एक हाथ टॉप होगा तो होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये सारे के सारे जितने डले हुए हैं ना, ये सब मेरे हैं और मैंने धुल के सूखने के लिए मेरे अंदर डाल दी। मेरे पतले पतले से कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं, उनके जीन्स वगैरह रहते हैं ना तो सूखते नहीं। और अभी मुझे सारे कपड़े निकालना भी है, घड़ी करना है और हनी के कपड़ों को प्रेस मारनी है, अपने कपड़ों को भी प्रेस मारनी है, तो अभी वो भी करूँगी। पहले थोड़ा सा धूप कम हो जाए तो जाऊँ, नहीं तो फिर नहीं जाऊँगी, थोड़ा शाम में ही जाऊँगी, 6:30 बजे या फिर 6 बजे के समथिंग ही जाऊँगी, फिर अभी नहीं जाऊँगी। और शायद ना नाइट में यहाँ पे बहुत तेज वाला पानी गिर रखा था, तो सामने वाले खेत में ना पानी भी भर गया था, तो यहाँ पर ये देखो पर अभी नहीं दिख रहा है, पानी सूख गया है, नहीं तो रात में बहुत तेज पानी गिरा। मुझे नहीं पता, हनी ऐसा बता रहे थे कि पानी बहुत तेज लग गिरा था और तुम सो रही थी बहुत गहरी नींद में, तुमको जगाया नहीं। मैंने कहा कि चलो बढ़िया, मेरी नींद नहीं खराब हुई। और यहाँ पे ना दोनों टॉवल सूख रहे हैं अभी, मतलब मैंने अभी फेस वॉश किया था ना, तो मैंने यहीं पे डाल दिया और सूखने के लिए अभी मैं इनको घिड़ी कर दूंगी। और बाकी के जो कपड़े हैं मैं, मुझे वो भी घिड़ी करना है, तो फटाफट से चलो मैं उनको घिड़ी कर देती हूँ और फिर जाएंगे मार्केट। और फिर जब तक मैं अपना दूध वगैरह भी पूरा फिनिश कर दे, मतलब बना लेती हूँ और फिनिश कर देती हूँ, फिर जाएंगे हम मार्केट। तो चलो पहले मैं कपड़े निकाल लाती हूँ, कपड़ों को घिड़ी कर देती हूँ। जा रही है, अपना फेस दिखा दो, पहचानेंगे नहीं तो लोग मास्क नीचे करो। तो ये लोग अभी आए हुए हैं यहाँ पर और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो चलो आप लोगों को अगर मार्केट का हो पाया तो मार्केट का दिखाऊंगी, नहीं हो पाया तो कोई बात ही नहीं है, नहीं दिखाऊंगी, कोई बात नहीं, हम तो दिखाएंगे। चलो चलो लेट्स गो, लेट्स गो दिया है और अब हम लोग नीचे जा रहे हैं और ये दोनों भी मेरे साथ जा रही है मार्केट। तो ये देखो हम लोगों ने बैग भी लिया हुआ है, बैग भी ले लिया हुआ है और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। गो फास्ट, क्या पता। और अभी मैं जाने वाली हूँ गाड़ी से, तो मुझे पता नहीं गाड़ी चालू होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बहुत दिनों से ना गाड़ी को हमने चालू नहीं किया हुआ है। और एक और है नीचे, तो उसको भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखो, ये रही सोना। तो ये तीनों यहाँ पर, मैं गाड़ी चालू कर लेती हूँ। आ चुकी हूँ और काफी देर हो चुकी, मतलब आधा पौन घंटा हो गया मुझे मार्केट से आए हुए। और बच्चा पार्टी लोग थे ना, तो हम सब लोग ऐसे बैठे रहे, बातें करते, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आई ना, तो जैसे बच्चा पार्टी को पता चला कि मैं आ गई, तो वो लोग भी आ गए मुझसे मिलने के लिए और बस ऐसे बैठे रहे, बातें करते रहे, मस्ती करते रहे उन लोगों के साथ। और मैं मार्केट गई तो वंजू और चीनू भी गए थे साथ में, तो वो दोनों भी आ गए वहां पर और हम मार्केट गए। तो मैंने क्या किया, आज मार्केट जाकर मैंने सब्जी खरीदी और ब्लाउज वगैरह जो लेने थे बस वो ले लिए हैं और मैं आ गई वापस। और कुछ ज़्यादा कुछ लेना भी नहीं था, सामान वामान तो सब कुछ घर से आया हुआ था ना, तो बस सब्जी वगैरह नहीं थी तो बस वो लेकर आई हूँ। और पता है घर में कीड़े आ रहे हैं यार, मतलब बारिश की वजह से ना शायद कीड़े आने यहाँ पे ज़्यादा लग गए हैं, मतलब खेत भी है ना साइड में, तो उसकी वजह से और ज़्यादा कीड़े आने लग जाते हैं,
तो अभी हनी भी आ चुके हैं ऑफिस से और अभी वो गए हैं मुँह हाथ धोने के लिए, तो वो भी आ जाए तो फिर चाय दूध जो भी बोलेंगे वो उनको बना के दे दूँगी, कॉफ़ी बोलेंगे तो कॉफ़ी बना के दे दूँगी। तो अभी आ गए हैं वो भी और बस मैं भी बैठी हुई हूँ। बहुत देर सब लोग मस्ती मस्ती कर रहे थे तो बस ऐसे ही घूम रहे थे बाहर आंगन में। मैंने मोबाइल नहीं उठाया, मैंने सोचा कि बहुत दिनों बाद मिले ना तो फिर क्या शूट करना, क्योंकि फिर शूट करो ना तो हर चीज़ तरीके से ऐसा नहीं वैसा करके करते रहो, इस वजह से फिर फ़ोन को इधर रखो उधर रखो इस तरह जाते ऐसा मस्ती करते रहो ना तो समझ नहीं पड़ती है कुछ। और जैसे बाहर घूम रहे थे तो फिर बाहर ट्राईपॉड पे फ़ोन को सेट करो ऐसा वैसा, तो फिर मैंने कुछ फ़ोन नहीं उठाया और फिर हम बातें करने में लगे मस्ती करते रहे, तो हम लोगों का टाइम ऐसे ही पास हो गया। और अभी एक और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लेकर आई, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर से। तो चलो पहले मैं उसको निकाल लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब उस चीज़ के लिए ना मैं पूरे लॉकडाउन तरस गई थी, मतलब लॉकडाउन के दो दिन पहले भी मैंने उसको खाने की चीज़ है खाई हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा तरस गई थी उस चीज़ के लॉकडाउन में। मैं ना ऑनलाइन ऑर्डर कर रही, जैसे मार्केट वगैरह में मिल रही थी ना तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रही थी, बट फिर ना मैंने सोचा कि नहीं नहीं टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा तो नहीं करती। तो चलो पहले मैं उसको निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि वो क्या चीज़ है हुआ है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी भी रख लिया हुआ है, तो ये देखो क्या है, पानी पूरी, जिसमें मैंने खट्टा और मीठा दोनों पानी मिक्स कर दिया हुआ है। ये है आलू और ये है पानी पूरी, मतलब पानी पूरी है, पानी ये रहा आलू ये रहा। तो मतलब पूरे लॉकडाउन में ना मतलब मेरा मन ना इसमें अटका था, कब से खाने का सोच रही थी और खुल भी गया था ना तो मैं नहीं खा पा रही थी। और मैं इंदौर भी गई वहाँ पे भी नहीं खा पाई, मायके गई वहाँ पे भी नहीं खा पाई, फाइनली आकर ना मैं आस्था में हनी के साथ ही खा रही हूँ। तो मतलब मेरा देख देख के ना बस मुंह में जैसा पानी आता ना बस वो आने लग गया, बस खाने का इतना ज़्यादा मन कर रहा है कि सब खा लूँ कुछ नहीं करूँ, बस हनी नहा के जल्दी से आ जाए तो मैं खा लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि अब नहीं रहा जा रहा है। पूरे लॉकडाउन तरसी हूँ यार, मतलब हम लड़कियों की ना मतलब लड़कियों की क्या यार सभीयों की ना अभी तो पानी पूरी तो फेवरेट ही हो गई है। मतलब हर एक दो दिन छोड़ के ना मतलब खाने का मन करता है, भले 10 रुपए की खाओ बट खाने का मन जरूर करता है, क्योंकि ये इतनी चटपटी सी होती है उतनी, मतलब दही वाली खा लो प्लेन वाली खा लो पपड़ी चाट खा लो कुछ भी खा लो बट खाना जरूरी हो गया है। मतलब हर दो चार दिन में तो मन करने लग जाता है इसको खाने के लिए। तो यहाँ पर मेरी पानी पूरी और ये दोनों रेडी हो चुका है, पानी भी ले गया था, कभी अगर पानी तीखा होगा तो पानी भी पी लूँगी, बस हनी आ जाए तो फिर फटाफट से इसको फिनिश कर देती हूँ मैं। नहीं तो मन अभी भी ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि खा लू मुँह में ना ऐसा पानी आ रहा है, बोलते बोलते भी ना मुँह में पानी आया जा रहा है। तो चलो मैं फटाफट से इसको खा लेती हूँ। अभी बज रही है सुबह के 8:30 और मैं जस्ट उठी हूँ, जस्ट इन द सेंस कि मुझे आधा घंटा हो गया उठे हुए। और अभी मैं अभी बैठूंगी और पेपर पढ़ूंगी, और मुझे ना थोड़ा थोड़ा सर्दी लग रहा है क्योंकि ना बाहर पानी वाला जो मौसम है ना वो हो रखा है, और कल रात को बहुत तेज पानी भी गिर गया, इस वजह से मुझे थोड़ी सर्दी भी हो गई है। और अभी से सुबह की वॉइस जो होती है ना वो ऐसी होती है ना एकदम भारी भारी सी, तो वैसी मेरी वॉइस लग रही होगी आप लोगों को। और अभी जस्ट सो के उठे हैं और अभी मैंने चाय मतलब मेरा दूध भी नहीं पिया हुआ है, अभी जाऊंगी दूध बनाऊंगी दूध पियेंगे और तो दूध और बिस्किट खाएंगे, और पेपर पढ़ना है तो पेपर भी पढ़ूंगी। और पेपर में अभी कुछ खास नहीं आया हुआ है, खोला ही है पेपर तो अभी क्या फ्रंट पेज पे तो कुछ खास नहीं दिया हुआ है आजकल। मतलब पेपर पढ़ने में भी ना मुझे ऐसा अजीब सा लगता है क्योंकि ऐसी न्यूज़ आती रहती कोरोना वाली ये वो, और ना बाहर से सब्जियों वाले भैया लोगों की आवाज़ें आ रही है, यहाँ से सुबह सुबह अभी आने लगे कोविड के बाद से अभी आने लगे हैं ये लोग भी, तो अभी लोगों की आवाज़ ऐसी होती है ना तो सब पता चल जाता है कि सब्जी वाले आए। और कुछ कुछ तो डेली आते हैं ना जो उनकी वॉइस समझ में आ जाता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे समझ ही नहीं आता था, मैं अंदर वाले रूम में रहती थी, मैं बाहर दौड़ दौड़ के आती थी देखने के लिए कि क्या वाले आए, क्योंकि पहले अब समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये लोग ऐसे बोलते हैं ना इनकी वॉइस ही थोड़ी सी डिफरेंट होती है तो समझ में नहीं आता है कि क्या बोलने वाले थे ये लोग, बट अब समझ में आ गया है कि क्या बोल रहे हैं। और अभी ना दूध पीने का मन कर रहा है, पेपर पढ़ते पढ़ते दूध भी पीऊँगी, तो अभी मैं जाऊँगी दूध बनाने के लिए तो दूध पीऊँगी। और उससे पहले मैं अपने वीडियो का एंड कर देती हूँ क्योंकि रात को ना मैंने गोलगप्पा खाए
और उसके बाद बस थोड़ा सा ऐसे खाना वाना कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि गोलगप्पा खाने के बाद ना बिल्कुल पेट एकदम टाइट हो गया था। कुछ और खाने का मन नहीं था। हनी बोले वो तो खाएंगे नहीं, और मैंने बता बहुत सारे गोलगप्पा खा लिए तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि मैं कुछ और खाऊं। और वैसे भी इतने दिनों बाद खाए ना, तो मतलब मन करे जा रहा था कि खाया जाओ और घर आ जाते हैं ना, मतलब घर लेकर आओ ना तो वो ज़्यादा खवा जाते हैं, मार्केट में खाओ ना तो कम खवाते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, आप लोगों के साथ कैसा था मुझे कमेंट करके बताना। मार्केट में खाऊंगी तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए, इससे ज्यादा नहीं खा सकती। घर पर तो मैं मतलब खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ ऐसा होता है। तो मतलब कल मैं लेकर आई थी 50 रुपए के, तो 50 रुपए में से ना धानी ने 20 रुपए खाए होंगे, मैंने 30 रुपए के खा गई। मैं इतने ज्यादा थे, और गोलगप्पे भी ना उसने हमको ज्यादा दिए थे। मैंने बोला भाई थोड़े ज्यादा तो पपड़ी वगैरह दे दो, तो बहुत सारे तो पानी वानी बहुत सारा उसने दे दिया। तो बस मैं धीरे धीरे खा रही थी और अपने मन को तृप्त कर रही थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिला। तो और अभी मैं अपने वीडियो का करती हूँ एंड, तो अभी मैं ना आप लोगों से मिलूंगी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। अगर आज वाला मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।